हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं शंकर्स डिजिटल क्लासरूम। तो फ्रेंड्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप या किसी और अन्य सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती होगी, जिसमें थोड़ा टाइम भी लग ही जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप ऑनलाइन एक वेबसाइट की मदद से बना सकते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। ठीक है, आप उसमें डिफरेंस तरह का कलर्स और डिफरेंस तरह का उसमें मतलब कि कपड़ा भी बदल सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको रेंडमली कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, cutout.pro, देख लीजिए ये लिंक है। ठीक है, और आपको इस पर आ करके सीधा यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से करिएगा, कंटिन्यू विद गूगल कीजिएगा, और जो भी आपका ईमेल आईडी होगा ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लेंगे। आपको अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं कोई अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, सीधा मैं लॉगिन करता हूँ। तो देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पर। तो प्रोडक्ट्स में आपको इसमें बहुत तरह का इस वेबसाइट में काम है, जैसे कि यहाँ पर है इमेज बैकग्राउंड रिमूव, वीडियो बैकग्राउंड रिमूव, फोटो इनहेंसर, रिटच, और ये रिमूव ऑब्जेक्ट्स, ब्लर बैकग्राउंड, बहुत तरह का इसमें थी है। लेकिन सीधा सीधी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने का बात है, तो मैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने का बता देता हूँ। कार्टून सेल्फी भी है, आप देख सकते हैं। आपको जब आना होगा इस वेबसाइट पर आकर के, आपको जैसा कोई आना होगा आके कर लीजिएगा। ये एक AI वेबसाइट है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेबसाइट है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो हम लोग आज करते हैं वो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग पहले से ही सोच के रखा हुआ रहता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं, पासपोर्ट फोटो मेकर करके इस पर क्लिक। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, पासपोर्ट फोटो मेकर। आपको इस अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपका जहाँ भी कोई भी फोटो होगा जिसे आप बनाना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप पहले उसका जो जैसा भी आपका फोटो होगा कोई टेंशन नहीं है, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो आपका पहले बैकग्राउंड रिमूव करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और बैकग्राउंड रिमूव करके आपको देगा और आपको बताएगा कि आपका कैसा बनाना है। ठीक है, जैसे ही फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। देखिए, बैकग्राउंड रिमूव करके आ जाएगा। आपको यहाँ पर साइज बैठा लेना है, तो मैं भारत में नॉर्मली सब A4 साइज में ही प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको यहाँ पर अपना खुद से साइज बैठा सकते हैं, जो भी आपका इच्छा होगा आप यहाँ से अपना साइज बैठा सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आप अपना कंट्री पर जाइएगा, जैसे कि ये सब चाइना कंबोडिया पार हो रहा है, क्रेटिया, चेक रिपब्लिक, यूरोपियन जर्मनी, तो आप यहाँ पर आइएगा इंडिया में। इंडिया पासपोर्ट 3x5x3x5, फिर इंडियन पासपोर्ट 5x5x5, फिर से इंडिया पासपोर्ट इस तरह का है। इंडियन वीज़ा में यहाँ पर देना है, इंडियन ओवरसीज़ के लिए अप्लाई करना है, इंडियन पैन कार्ड में डालना है। तो यहाँ पर साइज पहले से भी डिफाइन है, आप यहाँ से खुद का भी साइज डाल सकते हैं, और यहाँ पर से A4 साइज में ले लीजिएगा। हमें A4 साइज में निकालना है, तो मैं A4 साइज में क्लिक कर देता हूँ, मेरा प्रिंटर ही वही है A4 साइज पेपर निकालने वाला। ठीक है, तो देखिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर रेडी हो गया है। आपको कुछ भी फोटोशॉप कोरल ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो सा बैकग्राउंड देना है आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, जो भी बैकग्राउंड देना है बैकग्राउंड दे सकते हैं, या यहाँ पर पहले से बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड पीछे से कलर में डिफाइन है, आप किसी पर भी सेलेक्ट करके बैकग्राउंड दे सकते हैं। देख रहे हैं, कोई भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, एकदम फाड़ू वाला आपका बन जाएगा पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद और एक चीज़ इसमें जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो क्या है, इसका बैग, इसका जो ड्रेस है वो चेंज करने वाला ये, आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और आप इसका ड्रेस चेंज करने वाला जो दिखेगा ना, ये ऐसा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ डुप्लीकेट किया हुआ है या मॉडिफाई किया हुआ है, एडिटिंग किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको जो भी आपका मैनुअली सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ड्रेस करना है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, तो देख सकते हैं आपके सामने कोई भी इसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस या चेंजेस नहीं लग रहा है। कोई नहीं बोल सकता है कि यह ड्रेस मैंने अलग से बैठाया है या इसको मॉडिफाई किया है, एडिट किया है, कुछ भी किया है, बस एक सेकेंड में इसका ड्रेस चेंज हो गया। उसी तरह से आप चाहेंगे कि कोई और, जैसे कि मैं लगाना चाहता हूँ, समझ लीजिए कि इसे, ठीक है, तो मैं इसे लगा करके दिखाता हूँ, आपको कोई भी चेंजेस नहीं लगेगा। आप देखिएगा एक बार फिर से। ठीक है, देखिए
फिर ये इसी तरह से चेंज हो गया, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा, आपका जो ड्रेस है वो चेंज हो जाता है और आपको कुछ भी पता नहीं चलता। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह से मेंस है तो ये मेंस का कपड़ा आएगा, यहाँ पर वुमेंस कीजिएगा तो वुमेंस का आएगा, चिल्ड्रेन कीजिएगा तो चिल्ड्रेन का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है और डाउनलोड कर लेना है HD वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। देखिए ये हमारा ओरिजिनल वेबसाइट था और मैं यहाँ से इस तरह का पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना करके निकाल रहा हूँ। आप यहाँ डाउनलोड HD वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुका है और मैं आपको इसे खोल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन गया है। अब आप इसे प्रिंट करके प्रिंट निकाल सकते हैं और कस्टमर्स को खुद के लिए या किसी को भी दे सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लेकर के मैंने पहले भी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था 3 ट्रिक्सफुल वेबसाइट बताने में, तो मैं वहाँ पर इसे बढ़िया से डिफाइन नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने आज इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दिया है ताकि आप लोगों को इसे बढ़िया से समझ में आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ परेशानी होगा, गड़बड़ी लगता होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, रोज इसी तरह का ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सीखते रहना है। तो और चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे आगे वाली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।